हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर के आए हैं एक टॉपिक जो कि है हमारा नॉर्म्ड स्पेस। ये हमारा टॉपिक है फंक्शनल एनालिसिस का, जो कि हमारा जो ये पेपर है ये हमारा एमएससी फोर्थ सेम में आता है। ठीक है, तो हम ये टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम इसकी आपको डेफिनेशन बताएंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन को। जैसे यहाँ पर क्या है, नॉर्म्ड स्पेस है। अब कुछ क्या है जो हमारी नई बुक्स हैं उसमें क्या है, ये नॉर्म्ड स्पेस की जगह क्या दे रखा है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो कंफ्यूज ना हो, दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे नॉर्म्ड स्पेस लिखा है, वहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट एक और वर्ड जोड़ दिया होगा, लीनियर, एल लीनियर वहाँ पर जोड़ रखा होगा। ठीक है, जो नई बुक्स हैं उनके अंदर। ठीक है, तो हम इसके देखते हैं डेफिनेशन। बस ये बता रहा था, दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास अनॉर्म्ड स्पेस, कोई नॉर्म्ड स्पेस वो होता है, एक्स इज़ अ वेक्टर स्पेस, वो वेक्टर स्पेस होता है, विथ किसके साथ होता है, वो किसी भी एक नॉर्म के साथ होता है। सही है कि वो किसी भी एक नॉर्म के साथ में होता है, और उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन ऑन इट। उसके क्या डिफाइन, उसको हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। अगर वो तीन कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो हमारा वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होगा। ठीक है, और जो नई बुक्स हैं उसमें क्या है, नई बुक्स में क्या है, वो तीन कंडीशन की जगह चार कंडीशन भी हो सकती हैं, क्योंकि जो पहली कंडीशन है वो क्या है, दो उसमें दे रखी है नई बुक्स में, और जो पुरानी है मतलब उसमें क्या है, वही चीज़ दो में दे रखी है, एक ही में दे रखी है, वो दिखाता हूँ मैं। यह है इसकी तीनों कंडीशंस। ठीक है, जो इसकी पहली कंडीशंस है यहाँ पर, ठीक है, पहली कंडीशन, दूसरी। अब क्या है, जो नई बुक्स होंगी उसमें क्या है, एक ये कंडीशन हो गई। ठीक है, और इसके बाद ये जो है यहाँ से यहाँ तक, वो उन्होंने क्या दे रखा है, दूसरी कंडीशन में। अगर ऐसा हो तो कन्फ्यूज ना हो, एक जगह भी लिख सकते हैं और अलग अलग जगह भी लिख सकते हैं। इनको क्या है, हम इस तरीके से लिखते हैं, नॉर्म वन ऐसे करके ब्रैकेट में, ऐसे यहाँ पर नॉर्म टू, और यहाँ पर नॉर्म थ्री। ठीक है, तो कन्फ्यूज ना हो इसमें, ये ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, नॉर्म वन अगर इसे लिखे होगे तो नॉर्म टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, और ये फोर हो जाएगा। तो इसके क्या तीनों कंडीशन है वो हम अब देखते हैं। ये दे रखा है, इसे क्या बोलेंगे, ये जो इसे बोलते हैं हम नॉर्म। ठीक है, इसे कहीं कहीं लेंथ भी बोलते हैं, तो ये नॉर्म हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे हम, नॉर्म एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जीरो से। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जीरो से, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्म एक्स हमारा किसके बराबर होगा, जीरो के। अगर नॉर्म एक्स जीरो के बराबर है तो एक्स किसके बराबर होगा, जीरो के। और जो हमारा एक्स है स्मॉल एक्स, वो बिलोंग करेगा किसमें, कैपिटल एक्स में, जो हमने यहाँ पर वेक्टर स्पेस ले रखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये होगी इसकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, नॉर्म एक्स प्लस वाई का नॉर्म लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई के। और जो एक्स और वाई होंगे वो किसमें बिलोंग्स करेंगे, हमारे एक्स के अंदर, जो भी हमारा वेक्टर स्पेस था। और इसको हम क्या बोल देंगे, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, इसको बोलेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अगर कहीं आए तो ट्राइंगल इक्वालिटी की जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा, तीसरी कंडीशन, कि अगर इसके साथ क्या है, हम कोई भी यूनिट एलिमेंट कि क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि हमने ये करा, यहाँ पर खाली एक्स होता जैसे यहाँ पर था, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी किसी भी यूनिट एलिमेंट की, जो हमारा क्या है, अल्फ़ा। तो यहाँ पर क्या आ गया, स्केलर ले लिया, मतलब हमने यहाँ पर कोई भी स्केलर से हम क्या इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अल्फ़ा एक्स यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो बराबर क्या होगा, मोड में अल्फ़ा और नॉर्म एक्स के। और जो एक्स होगा वो किस में से ले जाएगा, एक्स में से, और जो अल्फा होगा वो फील्ड में से लिया जाएगा, यानी कि एफ में से। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अगर वो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या होगा, नॉन लीनियर स्पेस। ठीक है, मेन इसकी डेफिनेशन यही थी, अगर इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा क्या होगा, नॉन लीनियर स्पेस होगा। ठीक है, हम यहाँ पर ये भी लिख देंगे कि एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स और वाई ये क्या है, हमारे आर्बिट्री वेक्टर्स हैं, किसके अंदर, एक्स के अंदर। ठीक है, इन एक्स जो हमारा वेक्टर स्पेस है उसके अंदर। ठीक है, और जो अल्फा है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर कोई भी वो स्केलर हो सकता है, जिससे क्या है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, अब ये जो जैसे हम साइंसेस को डोनेट करते हैं, वो साइन हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम नॉर्म, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए डॉट लगा दिया, एक्स
हो सकता है, वाई हो सकता है, तो अगर हमने लगा दिया डॉट, इसको क्या बोलेंगे, इस कॉल्ड नॉर्म ऑन एक्स, इसे क्या बोलेंगे, नॉर्म ऑन एक्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो पॉइंट है मैंने अलग लिख दिए हैं, डेफिनेशन में अगर आप इतना भी लिखे आएंगे ये भी सही है, अगर यहाँ तक भी लिख देंगे तो और भी बढ़िया है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर द नॉर्म स्पेस, जो हमारा नॉर्म स्पेस है ये, इसको डोनेट करेंगे बाय किसके द्वारा, एक्स ब्रैकेट में एक्स और नॉर्म यहाँ पर डॉट, यानी कि जो भी यहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे, यानी कि जो भी यहाँ पर हम वेक्टर स्पेस लिख सकते हैं एक्स वाई, और सिंपली बाय कैपिटल एक्स, और सिंपली बाय लिख सकते हैं किसके द्वारा, कैपिटल एक्स के द्वारा, सही है। यहाँ तक भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को हम ज़्यादा से अच्छा मतलब प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि भैया हमने यह, हमें पता है कि ये होता है, मतलब हमें सब पता है इसके अंदर कि यहाँ पे इसको ये बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, अब यहाँ पर लास्ट क्या बचा हमारा, ये ऐसी है, ये मैंने यहाँ पर बता दिया ये डेफिनेशन, ये आए मतलब पूछे मतलब लिख भी आओगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर दिखा रखा है कि अ नॉर्म ऑन एक्स, कोई नॉर्म है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, और डिफाइन कर सकते हैं उसके द्वारा अ मैट्रिक्स डी ऑन एक्स, कोई मैट्रिक्स है वो क्या है, हम किसी एक्स पर, और वो क्या है, नॉर्म पर है एक्स, उसको क्या है, डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डी एक्स वाई बराबर होगा, यानी कि मैट्रिक्स डी एक्स वाई बराबर होगा नॉर्म एक्स माइनस वाई, और जो एक्स वाई होंगे वो बिलोंग्स करेंगे इसमें कैपिटल एक्स में, ठीक है। तो ये आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, अगर कहीं नॉर्म हो किसी एक्स के ऊपर, और डिफाइन करना हो हमें मैट्रिक्स किसके ऊपर, एक्स के ऊपर ही, कोई नॉर्म किसके ऊपर हो, एक्स के ऊपर, और तभी हमें क्या है, कोई मैट्रिक्स डिफाइन करनी हो डी किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, तो हम उसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने, ये थी हमारी नॉर्म की डेफिनेशन, ठीक है। और अगर आपको मतलब वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या है, आप अपना वैल्यूबल कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप ऐसे ही और टॉपिक चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और इन्हें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि क्या है, अब ऐसी क्या है और वीडियो, क्योंकि इसमें क्या है, और भी ऐसे हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे मैं अपलोड करता रहूँगा धीरे धीरे वीडियो, ठीक है। तो ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और ऐसे ही और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, या आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, तो वो कमेंट में बता दें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ में।